आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। फैंस को तोहफा देने के लिए सलमान तैयार। बजरंगी भाईजान 2 का किया भाईजान ने ऐलान। बजरंगी भाईजान फिल्म सलमान के करियर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म को फैंस से प्यार और जबरदस्त रिस्पांस मिला था। ऐसे में सलमान ने फैंस के लिए इस फिल्म का पार्ट 2 का ऐलान कर दिया है। दरअसल 7 जनवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही फिल्म RRR से जुड़े एक खास इवेंट में शामिल हुए सलमान खान ने खुद ही बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनाए जाने की जानकारी दी है। मुंबई में हुए RRR के इस खास इवेंट के दौरान सलमान खान, करण जौहर, आलिया भट्ट, जूनियर NTR, रामचरण और RRR फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली मौजूद थे। इवेंट के दौरान सलमान खान ने बताया कि SS राजामौली के पिता KV विजयेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान लिखी थी, जो उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। इस खास मौके पर सलमान ने इस बात का भी खुलासा किया कि KV विजयेंद्र प्रसाद बजरंगी भाईजान की सीक्वल लिखने का काम पूरा कर चुके हैं। इसमें मंच पर मौजूद करण जौहर ने फौरन सलमान से पूछ लिया कि क्या इसे बजरंगी भाईजान के सीक्वल के अनाउंसमेंट के तौर पर लिया जाए। इस पर सलमान ने एक्साइटेड होकर करण को जवाब दिया और कहा, हाँ करण। बता दें कि 2015 में रिलीज हुई बजरंगी भाईजान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए तो वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सलमान खान के अलावा हर्षाली मल्होत्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और करीना कपूर खान मेन लीड में नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान के बड़े बेटे तैमूर अली खान आज पूरे 5 साल के हो गए हैं। तैमूर का जन्म 20 दिसंबर ईयर 2016 को मुंबई में हुआ था। कपूर फैमिली और पटौदी परिवार में आज सेलिब्रेशन का दिन है। तैमूर का ये 5वां बर्थडे सेलिब्रेशन है। कहा जा रहा है कि बेटे तैमूर के बर्थडे पार्टी में मम्मी करीना कपूर खान शामिल नहीं होंगी। ऐसा पहली बार होगा जब बेबो अपने लाडले तैमूर के जन्मदिन पर उनके साथ नहीं होंगे। आपको बता दें ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ठीक एक हफ्ते पहले करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इन दिनों करीना कपूर क्वारंटीन में हैं और अपने परिवार और दोनों बेटों से अलग कमरे में रह रही हैं। एक्ट्रेस ऐसू ने अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह को मिस कर रही हैं। वहीं इस खास मौके पर मम्मी करीना ने अपने टीम को बेहद खास अंदाज में बर्थडे की बधाई दी है। बेबो ने अपने इंस्टाग्राम पर तैमूर का एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो टीम के बचपन का है। इस वीडियो में नन्हा तैमूर पहली बार अपने पैरों पर चलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपना बैलेंस बना पाता है तभी वो लड़खड़ाकर गिर जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तैमूर लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाल भी थोड़े बड़े हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर कर करीना ने कैप्शन में लिखा है, तुम्हारा पहला कदम तुम्हारा पहली बार गिरना, मैंने इसे बहुत गर्व के साथ रिकॉर्ड किया है। ये तुम्हारा पहला या आखिरी बार गिरना नहीं है मेरे बेटे, लेकिन मुझे एक बात निश्चित रूप से पता है, तुम हमेशा अपने आप को उठाओगे, बड़े कदम और ऊंची सिर के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम मेरे शेर हो। हैप्पी बर्थडे माय हार्टबीट माय टिमटिम, तुम्हारे जैसा कोई नहीं मेरा बेटा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तैमूर को सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। करिश्मा कपूर और रिद्धिमा कपूर सहानी ने टीम को बर्थडे विश किया है। करिश्मा कपूर ने तैमूर संग एक फोटो शेयर की है और लिखा है, बड़ा लड़का जन्मदिन मुबारक हो हमारी जान। रिद्धिमा ने रणबीर कपूर के साथ तैमूर की एक पुरानी तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है, जिस पर लिखा है, जन्मदिन मुबारक हो क्यूटी तैमूर अली खान। ब्यूरो रिपोर्ट।
शादी के मौके पर भला कौन सी दुल्हन सुंदर नहीं दिखती, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्रियों की बात ही अलग है। पर्दे की ग्लैम डीवा जब असल जिंदगी में दुल्हन बनती है तो आसमान से उतरी किसी अप्सरा सी दिखती है। अब हाल ही में शादी के बंधन में बंधी कैटरीना कैफ को ही ले लीजिए। अपनी शादी के मौके पर कैटरीना किसी रॉयल प्रिंसेस की तरह दिख रही थी। कैटरीना के ब्राइडल अवतार में से उनके गहनों की चर्चा भी खूब हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलम और हीरे जड़ी कैटरीना की वेडिंग रिंग की कीमत 7,40,735 रुपए है। वहीं विक्की ने उन्हें जो मंगलसूत्र पहनाया वो 5 लाख रुपए की कीमत का है। इतना ही नहीं, अपनी शादी के मौके पर कैटरीना ने 22 कैरेट गोल्ड में बना अनकट डायमंड्स का हार भी पहना हुआ था। सब्यसाची के हेरिटेज कलेक्शन की ज्वेलरी की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। वैसे कैटरीना पहली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिसने अपनी शादी के मौके पर करोड़ों रुपए की कीमत वाले गहने पहने हों। ऐश्वर्या राय से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक ये सभी अभिनेत्रियां जब दुल्हन बनी तो करोड़ों की कीमत वाले गहनों से सजी हुई थी। तो आज की वीडियो में बात करते हैं हम कुछ ऐसे ही एक्ट्रेसेस के बारे में। ऐश्वर्या राय बच्चन। बच्चन घराने की बहू रानी ऐश्वर्या राय की ब्राइडल ज्वेलरी के चर्चे तो आज भी होते हैं। ऐश ने अपनी शादी में कुंदन से बना बड़े साइज का चोकर हार पहना हुआ था, साथ ही दो लंबे रानी हार भी पहने थे। इंडियन रॉयल ब्राइड की तरह तैयार हुए ऐश के गहनों की कीमत लगभग 3,05,00,000 रुपए बताई जाती है। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में छाया था प्रियंका का इंडियन ब्राइडल लुक। सब्यसाची की कलेक्शन के लाल सुर्ख जोड़े में सजी प्रियंका ने मोती, कुंदन और हीरों से बनी हैवी ज्वेलरी पहनी हुई थी। अपने गहनों पर प्रियंका ने 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा के ब्राइडल लुक और गहनों के चर्चे भी हर जगह हुए थे। अनुष्का की वेडिंग ज्वेलरी डिजाइनर सब्यसाची ने डिजाइन की थी, जिसमें कुंदन और पिंक कलर के मोतियों का काम था। इन गहनों की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। सोनम कपूर। बॉलीवुड की फैशनिस्टा सोनम कपूर ने अपनी शादी के मौके पर गोल्ड और पर्ल से बने गहने पहने हुए थे। सोनम के ब्राइडल ज्वेलरी में सबसे खास था उनका हेड गियर जो विंटेज था। सोनम ने गले में खूबसूरत बड़ा सा चोकर हार और साथ में लेयर रानी हार पहना हुआ था। उन्होंने हाथों में लाल चूड़े के साथ हीरे के कड़े पहने हुए थे और सोनम के गहनों की कीमत 2,05,00,000 रुपए है। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने ईयर 2018 में रणवीर सिंह के साथ इटली के लेक कोमो में शादी की थी। अपनी शादी के दिन दीपिका ने लगभग 9,00,000 रुपए की कीमत वाला डिजाइनर सब्यसाची का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहना था। वहीं बात करें दीपिका की वेडिंग ज्वेलरी की तो दीपिका ने गहनों पर 1,05,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। दीपिका के मंगलसूत्र की कीमत ही 20,00,000 रुपए है। शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी भी अपनी शादी के दिन बेहद खूबसूरत दिखी थी, जिसका पूरा श्रेय अनकट डायमंड्स और कुंदन से बनी उनकी वेडिंग ज्वेलरी को जाता है। शिल्पा शेट्टी ने बड़े साइज का कुंदन का जड़ाऊ चोकर हार साथ में लंबा रानी हार पहना हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कुंदन का कमरबंद पहना था जिस पर हरे एमराल्ड मोती लटक रहे थे। उनके मांग टीके से लेकर बाजूबंद तक का डिजाइन काफी ट्रेडिशनल था। खबरों के मुताबिक शिल्पा के गहने 1 करोड़ की कीमत के थे तो वहीं शिल्पा की सगाई की अंगूठी की कीमत भी 5 करोड़ रुपए थी। और लास्ट में बिपाशा बासु। बिपाशा बासु ने अपनी शादी के दिन लहंगे के साथ 95,00,000 रुपए की कीमत वाली राजस्थानी जड़ाऊ और पोल की ज्वेलरी